हेलो अस्सलाम वालेकुम सबको भी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। तो अभी है हम भीड़ में और देख सकते गाड़ी भी पैक होके आ गई अपनी। बाहर गए थे वो एक या दो ब्लॉक के बाद आपको पता चल जाएगा, एक सरप्राइज है आपके लिए सबके लिए। तो तीन चार दिन से मैं घर पे नहीं था, हम थोड़ा गाँव गए थे, बाहर गए थे। तो अभी हम जा रहे हैं मैसूर, शफीक भाई भी सामने से आने वाले हैं, उनको भी मिलते हैं। वो नारियल भर के आ रहे हैं और हम इधर से मैसूर जा रहे हैं। वो शफीक भी गए थे मैसूर, वो भी बहुत मतलब बहुत दिनों के बाद मैसूर गए थे। तो अभी चलते हैं, मिलते हैं शफीक भाई से, वो भी सामने से आ रहे हैं, बीजापुर में है। शायद हो सकता है हमारी मुलाकात सोलापुर या तुलजापुर आसपास हो जाएंगी। तो अभी चलते हैं, और एक सरप्राइज है। तो हमारा राजू आ गया है, वो मतलब 6 महीने 7 महीने कारखाना जाता है, उसके बाद में इधर है राजू। तो 6-7 महीने कारखाने पे जाके आज पहली चक्कर राजू आया हमारे साथ में। तो अब चलते हैं, 6-7 महीने से ट्रैक्टर चला रहा था, इसका मतलब राजू का ट्रैक्टर खुद का ही है, घर का ही है। तो 6-7 महीने ट्रैक्टर चला के आया है बंदा। तो देखते हैं अभी गाड़ी चलाएंगे वो अभी, और मिलते हैं शफीक भाई से भी। तो बहुत खुशी हुई राजू आया वापस, ऐसा मतलब अपने घर का बंदा है, ऐसा कोई मसला नहीं है। सुफियान और राजू, ये बहुत सारे लोग पहचानते भी है राजू को, और जो नहीं पहचानते ये राजू है। तो अब चलते हैं आगे सीधा बीजापुर जाने के पुरता भी निकल लेना गाड़ी में, गाड़ी खाली होने को आगे गई थी। तो बीजापुर पुरता डीजल डाल दे। जैसे कर्नाटक में इंटर होंगे फुल कर देंगे। कर्नाटक में जाने पुरता भी डीजल नहीं है गाड़ी में, तो अभी थोड़ा बहुत डाल दे, फिर बीजापुर जहाँ हमेशा डेली फुल करते वहाँ पे जाके फुल करेंगे। शफीक भाई को भी फोन लगाया था तो उनसे भी बात हुई, अभी सागर पे खाना खा रहे वो लोग, वो भी निकल गए होंगे। सोलापुर में, सोलापुर पास करके या सोलापुर में मुलाकात होंगी हमारी। तो बहुत दिन के बाद ये टाइम आया कि, तो बहुत दिन के बाद मिल रहा मैं शफीक भाई, डाली डीजल वीजल और आप चलते हैं सीधा सोलापुर, मिलते शफीक भाई को। बॉर्डर से पहले अगर मिले अच्छी बात है, गप्पी कर ली। तो मिलते हैं अब डायरेक्ट शफीक भाई से। अभी आए शफीक भाई, होटल भी लेना है यहाँ पे, मिलते हैं आप शफीक भाई से। इधर कितना हुआ वजन? कैसा पतला हुआ देखे क्या, छाटा देखे क्या, कैसे ढीले हो रहे, ये ब्लॉग में है ना पहले हो। ले ले निकाल बोल बताइए। जाओ
शफीक भाई को मिले, एक डेढ़ घंटा हम रोड पे बैठे ले थे बातें करते। तो अब चलते हैं अभी, मतलब सोलापुर स्टार्ट, जैसे सोलापुर स्टार्ट होता वहाँ पे, तो अब चलते हैं। 3-4 दिन से सोए वाले भी नहीं ना, क्यों तो हम थोड़ा बाहर गए थे। अब चलते डायरेक्ट बॉर्डर वेडर पास करते और फिर करेंगे टाकी वाकी फुल और फिर निकलेंगे यहाँ से। अभी सो रहा नहीं, मेरे को नींद आने वाली है। 3 बज रहे हैं अभी, मैं अभी 2 घंटे गाड़ी चलाऊंगा और ये भी सोया नहीं अभी तक। तो चलते हैं फिर। आप दोस्तों अभी बज रहे सुबह के 4:30, पता नहीं मेरा आवाज़ कैसे बैठ गया। तो अभी दोनों बॉर्डर पास हो गए, शफीक भाई भी चले गए, वो जा रहे हैं नांदेड़ और हम जा रहे हैं मैसूर। तो अभी चलते हैं पेट्रोल पंप पे, डीजल वीजल फुल करेंगे, उसके बाद राजू को उठाएंगे, वो भी 3 बजे सोया था। क्या क्या नहीं बोल रहे छोड़ो। ये भी आया फुल। 34,455 फुल हो गई क्या? हाँ ठीक है। अब डीजल वीजल फुल तो हो गया, करते पेमेंट वेमेंट और नींद तो देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नींद आ रही। अभी चलते, राजू चला रहा है गाड़ी और देख सकते हैं मेरे को तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही। तो अभी डीजल वीजल डाल के निकल गए और राजू चला रहा है गाड़ी। तो ट्रैक्टर क्या बोल रहा, मज़ा आ रही है ट्रैक्टर में, मजा आती है ट्रक में, मजा आती ट्रक में, मजा आती मेरे को बहुत आज, मतलब बहुत ज्यादा नींद आ रही, सुधरना है मेरे को, क्यों तो 3-4 दिन से बिल्कुल भी नींद नहीं। हम लोग गांव गए थे कार लेके, तो 3-4 दिन से तो बिल्कुल भी सोया नहीं हो और आज कंट्रोल के बाहर है। तो अब चल रहा है राजू और मैं, मिलते हैं सुबह। हेलो दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग, सुबह के बज रहे 11 और जस्ट अभी उठे हैं हम, जैसे मैं 6:30 सोया था तब से राजू चल रहा था। तो अभी पीते चाय वाय और फिर चलते। अभी तो अभी है हम हॉस्पिटल के नज़दीक है, हॉस्पिटल से फिर हॉस्पिटल वॉस्पिटल पास करके फिर नाश्ता वाश्ता करेंगे और फिर चलते हैं आगे। आज चलने की जैसी धूप तो दिख रही नहीं, क्यों तो धूप बहुत ज़्यादा चल रही। तो चलते हैं फिर, पीते हैं चाय में और निकलते हैं। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और हम लोग रुके खाना खाने हॉस्पिटल पास करके। राजू भी उठ गया अभी, इसको नींद नहीं आ रही थी रात में, बहुत दिन के बाद गाड़ी चला रहा, ट्रैक्टर में से उतर के गाड़ी पे बैठा, बहुत दिन के बाद तो नींद नहीं आ रही थी, कब तक भी गाड़ी चला रहा। चलना बहुत भूख लगी, चलो तो खाते खाना वाना और फिर देख सकते धूप भी कितनी पड़ रही है। तो खाते खाना वाना और फिर निकलेंगे यहाँ से, क्यों तो आप दिन में चलने की गुंजाइश तो है नहीं अभी दिन में, फिर भी खाना वाना खा के थोड़ा आगे जाके शंकर के ढाबे पे रुकेंगे, फिर वहाँ से शाम में निकलेंगे। तो चलते हैं फिर खाना वाना खाते दोस्तों। अभी खाना वाना हो गया तो अब चलते हैं सीधा शंकर के ढाबे पे। अल्ताफ का भी फ़ोन आया था, अब्बू और अल्ताफ वहाँ पे रुके हैं, तो यहाँ रुकने से बेहतर वहाँ जाके रुकते, चलते आराम आराम से, धूप बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ जाके रुकते। अपनी गाड़ी भी खड़ी है वहाँ पे और शाहिद भाई भी, सोलापुर वाले शाहिद भाई भी आए वाले,
वो बोले तुम वहीं रुको, मैं वहाँ ही आने वाला हूँ। तो चलते सीधा शंकर के ढाबे पे, वहाँ पे अपने पूरे गाड़ियाँ भी रहते, मुलाकात भी होती है, थोड़ा सा बैठ के बातचीत भी कर लेंगे और फिर वहाँ से शाम को निकलेंगे। दोस्तों अभी बज रहे दोपहर के 3 और अभी हम आए शंकर के ढाबे पे। अपनी गाड़ियाँ कौन से देखते हैं। अब्बू तो पहले से जाके रुके हुए हैं यहाँ पे। गाड़ी खाली अपने तो खाली अब्बू की गाड़ी है यहाँ पे। हेडफोन डाल के बैठा, सुन रहा भी नहीं। देखते लोग क्या कर रहे, क्या कर रहे रे। मैं कब से आवाज दे रहा ढक्कन के, कब आए वाले? 11 बजे से आए। चाय पीने राजू, राजू चाय पीने, चाय पीते और करेंगे आराम। शाम में निकलेंगे यहाँ से 6 बजे। अब वो तो सोया लाए संदेश, चाय वाय पिए। देख सकते पूरे गाड़ियाँ धूप के वजह से साइड में लगे, इधर पीछे भी गाड़े हैं और अपनी गाड़े इधर भी पूरे गाड़े लगे हुए। तो अब रुकते, बहुत ज़्यादा धूप है देख सकते हैं। पूरी डाउन होने के बाद ही निकलेंगे यहाँ से, लगाते आगे चारपाई गाड़ी के, इधर चारपाई लगे हुई है, इसको लेते छाव में। अब्बू की गाड़ी इधर, अल्ताफ लगा दिए चारपाई, पड़ जाते आप यहाँ पे। चल बाबू अभी बज रहे शाम के 6 और हम लोग नहा धो के पूरे तैयार हो गए। शाहिद भाई भी मिले, शाहिद भाई बहुत परेशान हो गए यार, सहरा बहुत सता रहे शाहिद भाई के। सोलापुर के शाहिद भाई, बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है हमारा, मतलब 3-4 साल 4-5 साल से कांटेक्ट है हमारा। सोलापुर में किसको अगर पहचानता हूँ मैं तो शाहिद भाई है, और हमारे वास्ते बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है ये आदमी। ताड़पत्री में भी हमारे साथ में रहते और ताड़पत्री से भी हमारे साथ में चलते। आपका नाम क्या है? तुम पहली तार आए भाई, पहली चक्कर आए यार भाई, इतने टायर सता रहे बोला छोड़ के जाओ ना शायद भाई। तो अभी सब नहा धो के चाय वाय पी के अभी निकलते हैं यहाँ से। शायद भाई टायर बना के तुम वहाँ आओ, हम आगे चलते। चलो अब यहाँ बात, चलो जाओ, क्या जाओ नहीं चल। एक नया ट्विस्ट आया, तो हमारी 14 टायर मिली। क्यों दिल लग रहा क्या? लग रहा हाँ, दिल लग रहा नहीं लग रहा, चलने का फिर इधर जाओ ना, क्यों चक्कर घर को जाने का, बच्चे घर को जाने का। 14 टायर मिली अपनी, तो इन्हें वापस जा रहे थे इधर। इधर अल्ताफ की गाड़ी है, इधर अपनी 36 है। तो अभी हम चित्तौड़गढ़ के पास खाना खाने को रुके, उधर भैया आगे गए वीडियो बना नहीं दे नहीं। चलते अब खाना बिना खाते और फिर निकलेंगे। अभी खाना बिना खा के हो गया हमारा, गाड़ियाँ पूरे निकल रहे। एक 14 चक्का जा रही भीड़ और हम लोग जाएंगे मैसूर। हाँ इधर अपनी गाड़ी है और इधर 14 चक्का है और इधर अल्ताफ की गाड़ी है। तो अब खाना बिना खा गए, अब कुछ भी नहीं है, रात भर चलने का छे। तो चलते जैसे जैसा मतलब रुकेंगे तो कंटिन्यू रहेंगे हम। चलना आया हाँ। अपनी गाड़ी इधर, अब चल दे। भैया उधर निकल गए और हम लोग इधर निकल गए, तो चलते हैं फिर आप सीधा मैसूर। दो गाड़ियां हैं साथ में, तो आराम आराम से जाएंगे। अभी हैं हम तुमकुर से आगे मथुर के पास। तो अभी बज रहे रात के 2 और राजू चल रहा है गाड़ी लेके और मैं जो है सो रहा हूँ। चलते हैं अभी
110-110 किलोमीटर बाकी है, चलते आराम आराम से पहुंच जाएंगे वहाँ पे 5 बजे तक, तो 4 या 5 बजे तक तो पहुंच जाएंगे। चलते फिर। अबू कहाँ हैं? हम मैसूर में रात में, हम मतलब सुबह 5 बजे आ गए थे इधर, तो 5 बजे आके मैं तो सोया था, ये आके ऐसे सो गया, मेरे को उठाया भी नहीं। अभी पहुंच गए तो ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड, क्यों तो ब्लॉग बहुत ही लंबा हो गया है। तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके जाना।